जिस्म पे लगे घाव इंसान की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत तो कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, वो अपना हो या फिर सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से निकली एक एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है दोस्त। हंसते हंसते उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर काफी नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर इसको गवा देना बेवकूफी है। हिंदुस्तान स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई। और जहां तक आजादी का सवाल है तो मैं आपको बतला देता हूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं, जरूरी यह है कि ये आजादी हमें मिलेगी कैसे, और कहीं ये आजादी हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में जरा भी चक नहीं होगी दोस्त कि आज से 70 साल बाद हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे और भूरे आ जाएंगे। काला बाजारी का साम्राज्य होगा। घूसखोरी सर उठा के नाचेगी। अमीर और अमीर होते चले जाएंगे, गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। धर्म जाति और जुबान के नाम पे इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच होगा जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी।